हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मी जुदात सूरत सिटी गुजरात से। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रेसलेट का जो लॉक रहता है वो आपको सिखाने वाला हूँ। ब्रेसलेट का लॉक जो है वो आप नेकलेस में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में एक ही टाइप का लॉक आता है। तो मैं आपको लॉक बताने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखना कैसे किस तरीके से मैं आपको बनाता हूँ। ये जो डिज़ाइन मैंने भी ओपन की है उसमें मैं आपको लॉक बना के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लॉक हम बना सकते हैं। तो जो भी लोग नए तो वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये डिज़ाइन बनाई हुई है, तो मैं आपको लॉक जो रहता है उसमें क्या रहता है, अभी यहाँ से पूरा यहाँ तक जो भी आपका डिज़ाइन रहेगा उतने mm का तो आपको लॉक बनाना है ऊपर से नीचे तक। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट से राइट जो है वो आपको 10 mm, मतलब 10 mm के आसपास रखना है। मैं जनरली 10 mm का बनाता हूँ, तो आप भी उतने उसके आसपास ही आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मेजरमेंट है उसका पहला एक बॉक्स बना देना है। यहाँ से ये कितना mm का है वो पहले देख लीजिए, ये 10.9 का है, तो पहले आप 10.9 का एक सर्कल ले लीजिए और स्क्वायर ले लीजिए। तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। अभी इसमें जो ऊपर से नीचे है वो 10.9 का है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 mm ही रखना है। तो मैं 10 mm का कर देता हूँ बॉक्स, इसके अंदर ही आपको पूरा लॉक बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक ये जो बॉक्स बन गया उसमें दो बॉक्स बनने वाले हैं, एक यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा बॉक्स रहेगा और यहाँ पे एक छोटा बॉक्स रहेगा। तो आपको यहाँ से थोड़ा 2 mm या 2.5 mm तक का एक बॉक्स दूसरा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के 2.5 mm तक का बना देता हूँ लॉक। आप यहाँ पे कितना भी बना सकते हैं, 3 mm तक का भी रख सकते हैं। तो मैं अभी तीन तीन बॉक्स का मैंने बिठाया है, तो मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आपको 10 mm का जो बॉक्स लेना है उसमें से ये जो बॉक्स एक बनाना है, ये दूसरा वाला मैंने यहाँ पे बनाया है बॉक्स, तो यहाँ से आपको 2.5 mm का रखना है। तो अभी ये दोनों बॉक्स बन गया है, तो ये जो बॉक्स इसका जो पॉइंट है उसको भी आप यहाँ पे ले लीजिए। अभी ये दो बॉक्स बन गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को हाइट दे देना है 3.5 mm का, -3.5। ये क्यों देना है वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले ये 3.5 में हाइट दे दिया, और इसको पहले ये जो बड़ा वाला बॉक्स है उसको पहले ये दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड से ओपन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और F10 दबा के इसका जो पॉइंट है, ये जो बॉक्स है आपको एक कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये जो बॉक्स रहेगा एक कॉपी पेस्ट करना है और उसका जो पॉइंट जो है उसको ऑन करना है, और तीनों साइड से 0.7 0.7 लेना है। ऊपर 0.7, यहाँ से भी 0.7 और यहाँ से भी 0.7। ये बॉक्स बन गया, ये जो बॉक्स है टॉप से हो गया वैसे ही फ्रंट से भी करना है, यहाँ से ऊपर से 0.7 और यहाँ से 0.7। तो यहाँ से आपको 0.7 नीचे ले लेना है और ऊपर 0.7 ले लेना है। तो ये पूरा बॉक्स बन गया, और ये बॉक्स को थोड़ा इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ ये साइड बाहर आ गए, ये साइड तो कटिंग हो गया, लेकिन ये नीचे के साइड भी ओपन रहेगा। तो आपको वही बॉक्स एक कॉपी करना है और बॉक्स इसको नीचे खींच लीजिए, और यहाँ पे 0.7 का पट्टी रहेगा। तो ये एक बॉक्स जो है यहाँ से इसको 0.7 अंदर ले लीजिए। तो पूरा बॉक्स आपको, ये जो मैंने रेड कलर में कर रहा हूँ, ये जो रेड बॉक्स है उसको आपको पूरा इतना कटिंग वाला बनाना है। यहाँ से ओपन होगा और नीचे से ओपन होगा, और ये तीन साइड से वो पैक रहेगा पूरा। तो ये जो बॉक्स चारों साइड से 0.7 है और यहाँ से भी 0.7 है, टॉप से भी 0.7 है, खाली ये साइड ओपन रहेगा और नीचे की साइड ओपन रहेगा, बाकी सब जगह पे 0.7 बना के आपको कट कर देना है। तो अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, ये बॉक्स बन गया। फिर इस आपको क्या करना है, बीच में एक पट्टी लगा देना है जो थोड़ा लॉक को मजबूत रखे उसके लिए। तो आपको 1 mm का पट्टी बना देना है, 1 mm का पट्टी बनाए और 1D करके दोनों साइड आप खींच सकते हैं। इस पट्टी को यहाँ पे नीचे ले लीजिए, यहाँ से मैंने 1 mm रखा है, तो ये वाला पोजीशन रहे वो फिर 0.7 का ही रहेगा। तो इसको 0.3 नीचे ले लीजिए, यहाँ पे इतना ये बॉक्स बन गया। अभी आपको क्या करना है, ये जो उसके बाजू में हमने दूसरा बॉक्स बनाया था उसको भी कटिंग करना है, लेकिन उसको कट कैसे करना है, ये जो ऊपर का पोजीशन है वो पूरा कट कर देना है 0.7 का बॉर्डर रख के। तो आपको क्या करना है,
एक कॉपी करना है और उसको कॉपी पेस्ट करके 0.7 लेफ्ट साइड मूव करना है, 0.7 ऊपर मूव करना है। तो ए साइड पूरा ओपन हो गया और टॉप से 0.7 यहाँ से, 0.7 यहाँ से, तो 0.7 आप यहाँ से नीचे ले लीजिए और ये 0.7 ऊपर ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है ये वाला पोजीशन। इसको भी आप ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे ओपन रहेगा हाइट में, इसमें देख लीजिए इस तरह से रहेगा। अभी इसका बीच का जो लॉक है वो आपको ऐसे बनाना है। तो लॉक बनाने के लिए ये जो यहाँ से जितना पट्टी मैंने बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है एक पट्टी आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे इतना एक मेजर कर लेता हूँ, 8.6 का है। तो आपको क्या करना है, एक 8.6 का यहाँ पे एक कर्व ले लीजिए, या फिर ये जो यहाँ पे, यहाँ से आप डुप्लीकेट बॉर्डर भी ले सकते हैं। ये कर्व ले लिया और ये कर्व को आप यहाँ तक खींच लीजिए, यहाँ तक आ गए और सामने मिरर लगा दीजिए। ये दोनों को लॉफ्ट देके इसका 0.7 हाइट देना है आपको, ऊपर के साइड, सॉरी 0.6 हाइट देना है आपको। ये 0.6 हाइट दे दिया। यही मेटल आपको फिर से इसको आप यहाँ पे ले लीजिए, ऊपर भी रख सकते, लेकिन अभी आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे ये रख दिया। फिर वही एक कॉपी करके आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे टच कर देना है और यहाँ से ये वाला जो पोजीशन रहेगा वो पूरा ऊपर रहेगा। और इसको अगर यहाँ पे अंदर इंसर्ट है तो थोड़ा बाहर निकल लीजिए, ये जो पूरा ऐसा लॉक रहेगा। और ये जो पोजीशन है उसको ऊपर से आपको डोम करना है। तो मैं ऊपर से ब्लेंड सरफेस से डोम कर देता हूँ, 0.1 0.1। अभी मैं इतना ही डोम रख रहा हूँ। और फिर ये जो डोम है उसमें आपको एक चीज़ करना है कि आपको यहाँ से डोम कम कर देना है। पहले आप यहाँ पे कैप्लनर से उसको पैक कर लीजिए पहले, ये इतना हो गया। अभी आपको यहाँ से ये डोम जो है वो उसको कम करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा पॉइंट लेके ये जो पोजीशन है डोम वाला, उसको डोम कम कर दो। इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, पहले सबसे पहले कि ये जो डोम है आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मैंने कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ से कम होना चाहिए और यहाँ पे ब्रॉड होना चाहिए। तो ये दो पट्टी बन गए, ये जो पट्टी रहेगा वो इसके साथ ग्रुप रहेगा और यहाँ से इसको 0.7 ऊपर रखना है, 0.7 इसको ऊपर रख दीजिए और ये जो पोजीशन है वो इसके ऊपर रहेगा, ऐसे रहेगा। अभी यहाँ पे एक बॉक्स और बनाना है, ये बॉक्स जो यहाँ पे पूरा बॉक्स बन गया है उसके जैसा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, और ये इसका डुप्लीकेट एज ले लीजिए, ये दोनों का लॉक दे दीजिए। और इसका हाइट जो है वो इसके साथ जॉइंट रहने वाला है, तो इसको पहले इसके साथ इतना हाइट दे दीजिए कि इसके साथ आ जाए। इतना मर्ज कर देता हूँ मैं, इस तरह से रहेगा। अभी इसमें ये जो अभी एक बॉक्स है ना, उसमें से आपको अभी दो बॉक्स बनाना है। दो बॉक्स मतलब ये जो पट्टी है, ये एक जो है उसका दो पट्टी कर देना है। मतलब समझिए यहाँ पे ये कितना है, 1.8 का है, तो मैं अभी इसको 0.9 कर देता हूँ और इसको डोम वाला बना देता हूँ। ये 0.2, इसमें थोड़ा अप डोम थोड़ा ज़्यादा दे देना अच्छा रहेगा, 0.4 और ये 0.4, दोनों को ज्वाइंट कर देना है, कैपिलरी से पैक कर देना है। इसको सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, 0.9 साइड में ले लीजिए। इस तरह से आपको दो पट्टी बनाना था, तो ये दो अभी इसके साथ ज्वाइंट रहने वाले हैं। और नीचे का जो बॉक्स मैंने बनाया था, मैं ये डिज़ाइन जो है थोड़ी देर ऊपर मूव कर देता हूँ। ये दो पट्टी बन गया अभी। तो अभी क्या करना है, ये ऊपर इसके साथ ग्रुप है और ये जो पट्टी रहेगा वो इसके साथ ग्रुप रहेगा। मैं अभी इसको ग्रुप कर देता हूँ और हाइट में से वो बॉक्स आप ले लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है इस यहाँ पे कटिंग किया है वहीं पे उसको टच करवाया है। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये जो बॉक्स है पूरा ऐसे यहाँ पे ओपन रहेगा, देखिए
लेकिन इसके अंदर जो फिटिंग होगा वो किस तरीके से करना है वो आपको देखना है। अभी ये समझे, मैंने यहाँ पे जो कटिंग है इसका, यहाँ पे अभी ये फिटिंग होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये इनसेट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0.7 जितना यहाँ पे कट बनाना है। अभी मैं अभी देखें, यहाँ पे ऐसे ओपन रहेगा तो आपको वहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। 0.7 का यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, इस तरीके से रहेगा वो बॉक्स। इसको आप कुंडी करके दोनों साइड ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा हाइट बढ़ाओ तो आपको यहाँ पे बॉक्स बना लेना है और इसका हाइट भी यहाँ तक आपको खींच लेना है। और यहाँ से जो मैंने 0.7 रखा था वो आपको थोड़ा बढ़ा देना है, 0.1 mm तक आप कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी 1 mm कर देता हूँ, 1 mm इसको कर दिया। अभी यहाँ से ये बीच में जगह देखिए और ये जो पोजिशन है ना, ये देखिए, ये जो कट है इसके अंदर, इसको पहले इसके साथ ग्रुप कर दीजिए आप। ये ग्रुप हो गए, फिर ये जो लॉक है वो यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, और ये जो डोंग वाला पोजीशन है, ये जो मेटल, उसको यहाँ पे है ना, उसको खींच के यहाँ तक लाना है उसको। आपको ये जो पोजीशन है उसको, आपको ये वाला पोजीशन बना है, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे जो डोम रहेगा ना उसको पहले ये निकाल दीजिए, नहीं चलेगा। इसको हाफ यहाँ तक ही इतना ही डोम चाहिए था, मैंने पूरा बनाया है तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। जैसे पहले था मैंने कर दिया, अभी यहाँ पे इसको डुप्लीकेट दे दीजिए, उसको अलग से डोम वाला बनाइए। जीरो फाइव रखना है, ये हो गए। ये दोनों को फ्रंट कर दीजिए, कैथलाइन से पैक कर दीजिए। अभी ये जो हमें पहला वाला बनाया था हमने वो लेना है, ये वाला। अब ये जो डोम है उसको वनडी करके आप थोड़ा ऐसे छोटा कर दीजिए और यहाँ से पूरा इसको यहाँ पे इसको अंदर इंसर्ट कर देना है, ये पूरा नीचे ले जाना है यहाँ पे। यहाँ से मतलब ये फ्लैट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लेना है और ये जो पोजीशन है वो पूरा अंदर ले लेना है। अंदर कहाँ तक लेना है, जो ये हमने सपोर्ट लगाया था, ये जो हमने सपोर्ट लगाया वहाँ तक आपको वो खींच लेना है पोजीशन, या फिर आप वनडी करके भी खींच सकते हैं। अभी मैं इसको वनडी करके ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको ये वनडी करके खींच सकते हैं, ऐसे ये पार्ट रहेगा। अभी आपको क्या करना है, जो जो पोजीशन था ये, तो इसके साथ ग्रुप इतना पूरा ग्रुप, ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेना। अभी ये इतना पोजीशन बन गया, इसको पहले ग्रुप कर दीजिए और ये जो मेटल है ये पूरा इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। इस तरह से ये बनने वाला है, ये जो मेटल है वो यहाँ से दिखना चाहिए और यहाँ से पूरा ओपन रहेगा और ये इस तरह से रहेगा। और मैं अभी ये बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स में अभी किस तरह से फिटिंग होगा अभी समझिए, ऐसे ये तीन पार्ट आरपीटी में आपको अलग अलग देने हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर रख के ज्वाइंट कर देंगे, फिर ये जो पोजीशन यहाँ से ऐसे ओपन ही रहेगा। तो ये सबसे पहले कैसे होगा, यहाँ से ऐसे इंसर्ट होगा और ये जो मैंने सपोर्ट लगे वहाँ पे देखना, आप थोड़ा अंदर उसको मतलब टच करेगा उसको, फिर ये जो नीचे ये जो पोजीशन है उसको नीचे ऐसे दबाएंगे, ये पोजीशन थोड़ा ऐसे नीचे दबेगा यहाँ तक, और जहाँ पर वो दबेगा ना वहाँ पे इतना इंसेट आ जाएगा। और यहाँ पे जब ये इसको टच करके इतना आ जाएगा ना, तो यहाँ से वो आवाज़ भी आता है, आपने देखा होगा कि लोग जब हम फिट करते हैं तब आवाज़ आता है, वो यहाँ से जो कट रहेगा इसके अंदर ये पोजीशन चला जाएगा, फिर वो यहाँ से ऐसे खुलेगा नहीं। जब तक इसको ये पार्ट ये पोजीशन ऊपर से दबाएंगे नहीं ना, तब तक ये पोजीशन यहाँ से मतलब ये लॉक यहाँ से ओपन नहीं होगा। तो आपको ये अभी लॉक ऐसे बना देना है और एक सपोर्ट भी, हाँ ये सपोर्ट इसके साथ ग्रुप रहेगा, ये जो पोजीशन पट्टी है इसके साथ, और ये वाला ऊपर का पोजीशन जो है इस तरह से ग्रुप रहेगा। अब
ये पूरा लॉक बन गया है। उसके बाद साइड में आपको डिजाइन कैसे बिठाना है, अभी समझिए। ऊपर वाला जो डिजाइन था वो मैंने यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ 25 mm का। तो ये जो यहाँ पे जितना इंसर्ट हो रहा है ना, इसको टच हो रहा है, उतना पार्ट मैं इसके अंदर रखूंगा, यहाँ पे रहेगा। और इसको डिलीट कर दीजिए, ये जो पोजिशन है उसको नीचे ले लेंगे। ये दोनों के बीच में आ गया। ये जो बीच वाला पोजीशन है वो उसको आपको क्या करना है, उसको कट कर देना है। इसको मैं ऐसा बॉक्स ले लेना है और इसको बाहर इसके ग्रुप कर देना है, मतलब कट कर देना है। तो अभी इसका डायमंड डेट कर देता हूँ, इसको 180 करके यहाँ पे सामने की साइड कॉपी कर दीजिए। ये जो बॉक्स रहेगा वो इसके साथ ग्रुप रहेगा और ये वाला जो रहेगा वो इसके साथ ग्रुप रहेगा। ये जो पट्टी है वो पूरा अलग ही रहेगा। तो आपको इस तरह से लॉक बनाना है, इस तरह से पूरा। ये जो लॉक है वो ब्रेसलेट में भी आपको यूज होगा और नेकलेस का जो पोजिशन पार्ट राइट है उसमें भी आप ऊपर के साइड मतलब यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप में इस तरह ये जो पार्ट है इसका अलग रहेगा, ये अलग रहेगा और ये जो पोजिशन है वो पूरा अलग रहेगा। इस तरीके से लॉक बनने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको ये फाइल भी देने वाला हूँ लॉक का। तो आप क्या करना है, टेलीग्राम में जो मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर लेगा। मैंने वहाँ पे ये फाइल डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अभी और आपको एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो मैंने लॉक बनाया है वो मैंने यहाँ से यहाँ 10 mm का रखा है और यहाँ से जो ये डिज़ाइन का पार्ट जो है था उतने mm का रखा है। तो आपको अगर कोई भी डिज़ाइन आएगा, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक आपका 7 mm का ही पोजीशन है, पार्ट है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 7 mm ही रखना है। लेकिन ऐसे आप 10 mm ही रखना और 10 mm ऐसे रहेगा और यहाँ पे आप जितना भी रखना है उतना आप रख सकते हो। 6 mm रहेगा तो भी चलेगा, 7 mm रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ से मतलब ये समझिए कि ये पोजिशन, इसको 1D करके आप देख लीजिए, ये इसको 1D करके आप यहाँ पे समझिए ऐसे लॉक, आपका लॉक ऐसे बनेगा अगर छोटा पार्ट रहेगा तो। लेकिन ऐसे तो आप 10 mm रखना। तो ये आपको चीज़ एक ध्यान रखना है। और अगर लॉक में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप टेलीग्राम में मुझे पूछ लेना, मैं उसमें आपको आंसर दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए।